पर क्लिक कर देना हो गया। In this chapter, first of all, we should to know about direct variation and inverse variation. The two variables are related to each other in such a way by increasing the value of one variable corresponding increases the value of other variable. Such variation is called direct variation. For example,
तो उनके नहीं जाएगी। Thank you.
अब यहाँ पर देखिए दो यूनिट हो गया, सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम बनाइए तो एक यूनिट होनी चाहिए, सिंगल यूनिट। यहाँ है किलोमीटर पर आवर, टाइम मिलेगा, यहाँ पर टाइम है सेकेंड, तो एक यूनिट लेंगे। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर देते हैं 90 × 5/18, जब किलोमीटर पर आवर है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या यूनिट चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 85 का 55 का 25 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब इस पर ज्यादा ध्यान देना है, स्पीड क्या 25 मीटर पर सेकंड, यानी 25 मीटर इन 1 सेकंड, डिस्टेंस 25 मीटर इन टाइम 1 सेकंड। यहाँ दो वेरिएबल, एक टाइम इन सेकंड, दूसरा डिस्टेंस इन मीटर। फर्स्ट डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर टाइम इन सेकेंड। वेरिएबल ये जो है, ये चार्ट जो है वो वेरिएबल पार्ट, इसमें वेरिएबल को लिखा है, तो टाइम इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीटिंग है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीटिंग हुआ। यूनिट यही लिखना है, राइटर में है, दो कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट पहले कॉलम में हमेशा हम स्पीड से वैल्यू पुट करेंगे, और कॉलम में हमेशा हम स्पीड से वैल्यू पुट करेंगे, 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 25 मीटर
That is your answer. So is he banana hai? Ye tha direct variation ka hai problem. Now I am going to tell you about inverse variation. Inverse variation kya hai? Kaise usko solve karna hai? Let us. Sir. सर आप यहाँ पे यस सर आप यहाँ पे लिखे इट विल कवर 179 वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली सर आप यहाँ पर लिखे इट विल सर आप यहाँ पर लिखे इट विल कवर 75 मीटर
वैल्यू में सर एक्स लगता है सर, डिपेंडेंट वैल्यू में एक्स लगता है, डिपेंडेंट में वाई लगेगा, इंडिपेंडेंट में एक्स लगेगा ना, स्वतंत्र वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट एक्स। थैंक यू सर। ओके सर, टुमारो आई विल कंप्लीट दिस यूनिट। Now I am going to conclude my class. Since time is over. Thank you, sir.